अगले दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का हिस्सा बन सकते हो और अपने लिए अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हो। ये आइडियाज आपके लिए हैं। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की तरह दिल्ली में भी शॉपिंग फेस्टिवल होने वाला है और ये आपको बहुत सारी अर्निंग की, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी लेकर के आएगा। पहले जान लेते हैं ये दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल चीज क्या है। केजरीवाल जी ने अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट किया, ये फेस्टिवल 1 महीने तक चलेगा और पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग, जैसे दिल्ली के 5 जोन है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और सेंट्रल दिल्ली, इसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे। तो इसका मतलब कि टूरिस्ट जो कि इंडिया के बाहर से भी आएंगे, दुनिया के हर कोने से आएंगे और जो इंडिया में रहते हैं लेकिन इंडिया के भी डिफरेंट स्टेट से जो दिल्ली में आएंगे और दिल्ली वालों को भी इतना ज्यादा घूमने का और पार्टी करने का शौक है, वो भी जब इतने सारे लोग घूमेंगे, फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे, मजे उड़ाएंगे, तो ऑफकोर्स जब आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक गोल्डन टाइम है जबकि आप बिजनेस कर सकते हो। तो बिजनेस कैसे कैसे आप कर सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या तरीके हैं, बिजनेस के आइडियाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिनको आप इस्तेमाल करते हुए यही दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के अंदर भी प्रमोट कर सकते हैं और बाद में भी लॉन्ग टर्म बेसिस पर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, एशियन गेम्स हुए थे, एशियाड विलेज बना था, इस तरीके से जब भी इस तरीके का कॉन्ग्रीगेशन होता है, जब लोग किसी फेस्टिवल में या किसी भी तरीके के एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए दूर दूर से किसी स्टेट में आते हैं, तो दिल्ली में भी जब इतने सारे लोग आएंगे, अगर आप दिल्ली के ही रहने वाले हो तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस तरीके से काम कर सकते हो, बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, जो आइडियाज मैं बता रही हूँ। अगर आप दिल्ली के रहने वाले नहीं हो तो भी इनमें से कुछ आइडियाज ऐसे हैं जो कि आप के लिए फायदेमंद होंगे, आप दिल्ली से बाहर आकर के भी इस 1 महीने के ड्यूरेशन के अंदर अपने लिए बिजनेस क्रिएट कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। तो ये क्या क्या आइडियाज हैं, देखिए पहला आइडिया है पेट सिटर। पेट सिटर यानी कि जैसे अब मेरे पड़ोस में एक अंकल आंटी है, अभी पिछले बुधवार को ही वो अपनी बेटी के पास 3 महीने के लिए गए US, उनको पीछे अपने पेट को रखना था कि पेट को कहाँ रखा जाए। तो इस तरीके से जो लोग दिल्ली के अंदर ही जब घूमने जा रहे हैं या फिर अपने जिन बिजनेस है पूरा टाइम अपना कोई शॉप में दे रहे हैं, पीछे पेट को रखने के लिए कोई नहीं है, पूरा पूरा दिन घर में नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए पेट सिटर का आप काम कर सकते हो। दूसरा बिजनेस है अगरबत्ती एंड मोमबत्ती मेकिंग, यानी कि कहने को तो ये छोटा सा ही काम लगता है लेकिन देखिए कितनी एक बिल्कुल ही हवा चेंज हो जाती है जब घर के अंदर अगरबत्ती जलाई जाती है या फिर घर का एक खुशनुमा सा माहौल हो जाता है। तो जब ऐसे फेस्टिवल होते हैं ना बड़े बड़े, तो लोग इकट्ठे होते हैं और हर तरीके के, हर रिलीजन के लोग होते हैं और जनरली मोस्ट रिलीजन में अगरबत्ती मोमबत्ती जलाई ही जाती है किसी ना किसी वजह से, चाहे वो दिवाली पर हम मोमबत्ती दिए जलाते हैं या फिर क्रिश्चियंस अपने चर्च के अंदर जलाते हैं या फिर मोमबत्ती मार्च करने के लिए भी यूज करते हैं लोग, लेकिन मोमबत्ती को एक अच्छा सा कैंडल लाइट डिनर यानी अच्छा सा माहौल क्रिएट करने के लिए भी बनाया जाता है, लगाया जाता है। तो फिर आप अगरबत्ती और मोमबत्ती का भी एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, शुरू कर सकते हो, एटलीस्ट अभी से शुरू करना शुरू करोगे तो अगले 6 महीने में सोचिए कि जनवरी तक आप एक अच्छा खासा स्टॉक बना करके रख लोगे और थोड़ा बहुत अपने बिजनेस को भी ट्राई कर लोगे कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को प्रमोट करोगे और मार्केट करोगे जब फेस्टिवल शुरू होगा। अब तीसरा जो आइडिया है बहुत जोर से आ रहा है, ये है गर्ल्स का रेस्टोरेंट। मुझे भी बहुत पसंद है कि अगर सिर्फ ओनली गर्ल्स रेस्टोरेंट हो जहाँ पर सिर्फ लड़कियां या औरतें सिर्फ चिल आउट कर सके। तो अभी जब एग्जीबिशन होगा दिल्ली के अंदर, फेस्टिवल होगा, शॉपिंग फेस्टिवल, बहुत सारी लड़कियां हो सकते हैं दूसरी स्टेट से भी आए और दिल्ली की भी ऐसी बहुत लड़कियां होंगी जो कि ओनली गर्ल्स रेस्टोरेंट के अंदर सेल्फी लेना पसंद करेंगी, चिल आउट करना पसंद करेंगी और बिंदास घूमना, डांस करना और इंजॉय करना पसंद करेंगी। तो अच्छा आइडिया है, अगर आपका ऑलरेडी रेस्टोरेंट बिजनेस है या आप अगले 6 महीने तक कोई इवेंट प्लानिंग में इंटरेस्ट रखते हो, आउटगोइंग हो आप, तो आप इस दिशा में सोच सकते हो और एक अपना मेकशिफ्ट
ओनली गर्ल्स रेस्टोरेंट भी शुरू कर सकते हो। अब चौथा आइडिया जो है वो है ज्वेलरी मेकिंग एंड सेलिंग। जब ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, शॉपिंग फेस्टिवल्स होते हैं, तो लड़कियों और औरतों का एक जो जमावड़ा होता है ना, वो ज्वेलरी स्टॉल पर जरूर होता है, ज्वेलरी के ऊपर। और ज्वेलरी आप बना सकते हो, और ज्वेलरी बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। दिल्ली के अंदर तो सदर बाजार के अंदर आपको बने बनाए ऐसे किट मिल जाएंगे, जिनको आप पिरो करके, लगा करके, आप खुद, वो बच्चों का DIY होता है ना, कि घर पर छुट्टियों में मिलता है बच्चों को कि खुद बना लेते हैं, तो वो ज्वेलरी मेकिंग आप खुद घर पे कर सकते हो, बना सकते हो, और वो सेट बना करके रख सकते हो, ताकि आप दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल जब शुरू हो तो धड़ल्ले से अपनी अपनी बनाई, अपनी ब्रांडेड ज्वेलरी बेच सको। अब अगला आइडिया है बिंदी मेकिंग का। बिंदी कहने को तो एक छोटी सी चीज है, लेकिन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं आप उनको देखो तो वो भी कई कॉन्सर्ट्स में, कई इवेंट्स में वो लोग बिंदी लगाते हैं। तो बिंदी आप सिंपल बिंदी से भी शुरू कर सकते हो, और डिजाइनर बिंदियां भी बना सकते हो। यहाँ बिंदियां बनाने के लिए भी एक छोटी सी मशीन आती है, ग्लू आपको चाहिए होगा, और जो मटेरियल होता है बिंदी बनाने के लिए वो चाहिए होगा। और बिंदी का भी काम आप अलग अलग डिजाइन बना करके रख सकते हो, और बिंदी का भी काम आप अपना बखूबी एक लॉन्ग टर्म बिजनेस शुरू कर सकते हो। फिर अगला आइडिया है एक प्राइवेट टूर एजेंसी अगर आप शुरू कर सको, जिसके अंदर एक गाइड हो। गाइड भी एक, यदि आप औरत ही रखो तो बेहतर रहेगा, यानी कि ऑल लेडीज टूर गाइड। काफी सारी ऐसी लड़कियां भी होगी जो काम के सिलसिले में दिल्ली आ रही होंगी, या उनको ऑफिस की तरफ से यहाँ पर भेजा गया होगा, तो ऐसे के अंदर, या फिर ऐसी लड़कियां भी हो सकती हैं जो कि जो शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है वहां पर जाना चाह रही हैं, लेकिन दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनको, उनसे बहुत अच्छे से फैमिलियर नहीं है, वो बहुत नहीं जानती, और दिल्ली के बारे में जैसा कि अफवाहें होती है या लोगों का ऐसा सोचना है कि दिल्ली सेफ नहीं है, खासकर जो दिल्ली में नहीं रहते या दिल्ली के कल्चर को नहीं समझते, उनकी उनमें से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि दिल्ली सेफ नहीं है, तो अगर आप उनको विमेन ओनली, लेडीज ओनली टूर एजेंसी, टूर गाइड प्रोवाइड करा दें, तो फिर सोचिए वो कितना सेफ, सुरक्षित फील करेंगे, और आपको पेमेंट भी करने को तैयार कर देंगे, और ये लॉन्ग रन में भी ये एक अच्छा बिजनेस हो सकते हैं आप। फिर एक आइडिया है ब्यूटी पार्लर का। देखिए, अब औरतें घर से बाहर घूमने निकलेंगी, सेल्फी लेंगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगी, और क्या अपना ध्यान भी नहीं रखेंगी? तो ऑफ कोर्स जब वो जाएंगी बाहर घूमने जाएंगी, तो उससे पहले भी उन्हें ब्यूटी पार्लर की कुछ सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, और जब वो वहां से वापस आएंगी तो भी हो सकता है उनको थके हुए पांव हैं तो पेडिक्योर चाहिए, हाथ थक गए हैं, पूरे दिख रहे हैं तो मैनिक्योर चाहिए, या फेस के ऊपर वो सनबर्न हो गया है, बहुत थकावट फील हो रही है तो शायद एक फेशियल चाहिए। तो हो सकता है कि आप, अगर एक चलता फिरता आपका ब्यूटी पार्लर हो, और या फिर आप कहीं पर भी आपका ब्यूटी पार्लर है ऑलरेडी है, तो शायद आप उसको भी इस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं कि जब बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, या स्टार्स को, सेलिब्रिटीज को हम अलग अलग इवेंट्स में देखते हैं, तो कई बार कभी कभी ये आइडिया आता है दिमाग में, ये ख्याल आता है दिमाग में कि जब हम लोग थे, जब हमारे बच्चे छोटे हुआ करते थे, तो जहां जाते थे अपने बच्चों को साथ साथ लेकर के जाते थे, या उनके दादा दादी, नाना नानी किसी के पास छोड़ के जाते थे, लेकिन ये लोग कैसे हर किसी इवेंट में बिना बच्चों के चले जाते हैं? तो देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि दिल्ली के शॉपिंग फेस्टिवल को एंजॉय तो करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को थकाना नहीं चाहते, बच्चों को अपने साथ ले लेकर के नहीं घूमना चाहते, खासकर जब एक महीने का इतना लंबा फेस्टिवल है, और इसमें वो लोग भी होंगे जिनको, जिनका ऑलरेडी बिजनेस है, या जिन्होंने आप ही की तरह अपना भी नया नया बिजनेस शुरू किया है, तो वो बिजनेस में, शॉपिंग फेस्टिवल में पार्ट तो लेना चाहते हैं, मतलब एज अ बिजनेस पर्सन वो सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं अपनी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, लेकिन अपने बच्चों की भी उनको चिंता है। तो ऐसे माता पिता के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उनके बच्चे का एज अ डे केयर सेंटर या बेबी केयर सेंटर, इस तरीके से आप चाइल्ड केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि पेरेंट्स भी निश्चिंत होकर के एक महीने तक काम कर सके, और आपको भी एक साइड इनकम
आती रहे, आप इसको बाद में एक फुल टाइम बिजनेस भी बना सकते हैं। फिर आती है बात कॉस्मेटिक शॉप की। देखिए कॉस्मेटिक शॉप से ही रिलेटेड मैंने एक वीडियो पूरा डिटेल में इसी चैनल पर दिया हुआ है, तो अगर आप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आप सोच रहे हैं कि कैसे कॉस्मेटिक का बिजनेस को शुरू करूं, कैसे क्या क्या स्टेप होते हैं, तो आप वो उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस पूरे मॉडल को, ठीक है। तो कॉस्मेटिक का भी एक अच्छा बिजनेस है जो कि आप कभी भी शुरू कर सकते हो, और खासकर जब ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, शॉपिंग फेस्टिवल, क्योंकि आपको अगर याद हो तो दुबई से या बाहर के भी जो शॉपिंग फेस्टिवल से लोग आते हैं, आपके NRI रिलेटिव आते होंगे, तो एक बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव पॉइंट क्या होता है था महिलाओं के लिए कि जब बाहर से NRI हो, रिटर्न हो, दुबई रिटर्न, तो फिर लेकर के क्या आते हो, आए हो मेकअप किट क्या है, चॉकलेट्स क्या लेकर के आए हो, तो मेकअप का सामान कॉस्मेटिक्स एक बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट होता है पूरी शॉपिंग एक्सपीरियंस का, और आप इसको भी अपने बिजनेस आइडिया में एक बार सोच जरूर सकते हो। एक आइडिया है इवेंट प्लानिंग का। अगर अभी तक आप केवल इवेंट मैनेजमेंट के स्लीपिंग बिजनेस में थे, यानी कि सोच रहे थे करूं ना करूं, या फिर धीरे धीरे स्नेल पेस पर चल रहे थे, तो अभी सही समय है कि आप कमर कस लो और तैयार हो जाओ कि अगले साल एक महीने का जो ये इवेंट हो रहा है, पूरा शॉपिंग फेस्टिवल होगा, इतने लंबे इतने बड़े लेवल का होगा, तो आपके पास भी मौका है कि अपने आसपास जरूर देखें कि क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है इवेंट्स प्लान करने की इसी से रिलेटेड। सपोज दिल्ली सरकार ने कोई इवेंट अपना एग्जीबिशन लगाया है, कुछ लगाया है, तो उसके साथ ही साथ आप भी शायद वहीं पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख जाए, लेकिन अपॉर्चुनिटी का फायदा तभी उठा पाओगे ना जब आप तैयार हो उस मौके को लेने के लिए, राइट। तो इसके लिए इवेंट प्लानिंग का भी एक आइडिया है आपके लिए। फिर एक जो चीज केजरीवाल सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रही है, अखबारों में भी बहुत आ रहा है कि जब बाहर से अलग अलग देशों से लोग आएंगे, इंडिया से भी अलग अलग स्टेट से लोग दिल्ली में आएंगे, तो ट्रैवल बुकिंग्स टाइम पर करा लो, होटल बुकिंग मिले ना मिले, तो इस सारे के अंदर यानी ट्रैवल के ऊपर बहुत ज्यादा जोर हो रहा है कि अपने ट्रैवल को सेफ एंड साउंड टाइमली ट्रैवल की बुकिंग करा लो। तो अब का जो आइडिया है वो है ट्रैवल एजेंट का। तो ट्रैवल एजेंट बहुत, देखिए ऑनलाइन अवेलेबल है चीजें, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प चाहिए होती है, जिनको चाहिए होता है कि कोई उनको गाइड कर सके या फिर उनको हेल्प कर सके टिकट बुकिंग कराने में और टिकट कैंसिल कराने में, होटल कहाँ से बुक कराना है, होटल क्या क्या उनकी आइटनरेरी रहेगी, इससे रिलेटेड कितनी ही सर्विसेज हैं। और अगर आपने आपका इंटरेस्ट है तो ट्रैवल एजेंसी का भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जो कि आप इस दौरान कैश कर सकते हो। एक और चीज जो मुझे बहुत स्ट्राइक की थी वो ये कि सरकार ने कहा, केजरीवाल जी ने कहा कि नेचुरोपैथी पर, फिटनेस वेलनेस पर बहुत जोर रहेगा। तो अगर आप योगा के अंदर हो, फिटनेस एक्सपर्ट हो, डांस एरोबिक्स इस तरीके की चीजों का शौक रखते हो, तो अभी थोड़ा सा तैयार हो जाओ, क्योंकि इस टाइम जब फिर ये जो फेस्टिवल शॉपिंग फेस्टिवल शुरू होगा, तब आपके पास भी एक मौका होगा कि लोग जब इतने सारे आएंगे दिल्ली में, तो उनको कैसे फिट एंड फाइन रखना है कि इतने अच्छे इतने बड़े फेस्टिवल का वो इवन दिल्ली वालों को ही फिट बनाने का एक आप जिम्मा ले सकते हो, और ताकि वो ज्यादा एक्टिव हो सके और ऐसे फेस्टिवल्स को ज्यादा इंजॉय कर सके। तो ये भी आपका एक मंथ लॉन्ग एक्टिविटी प्लान हो सकता है कि हर महीने आप एक घंटे का ही सही, लेकिन लोगों को एक क्लासेस दो या फिर उनको कुछ इस तरीके से फिट बनाओ। और एक और आइडिया आ रहा है YouTube वीडियोस मेकिंग का, कि जब आप फेस्टिवल्स घूमोगे ही, एक महीने तक घूमोगे फिरोगे देखोगे जानोगे कि क्या फेस्टिवल है कैसे हो रहे हैं, तो YouTube के जरिए भी अपने बिजनेस को ग्रो करने का आपके पास एक सुनहरा मौका है ये। लेकिन होगा कैसे, YouTube चैनल कैसे बनाएंगे, वो तो आपको आ जाएगा, लेकिन बिजनेस को, क्योंकि चैनल बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बिजनेस के तरीके से यूट्यूब चैनल को कैसे लेकर के चलना है और कैसे वीडियो मार्केटिंग से अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, ग्रो करना है और लॉन्ग टर्म तक एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना है, तो इसको कैसे सेटअप करना है अगर आप जानना चाहते हो, तो
नीचे वेबिनार का लिंक होगा, ज्वाइन कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा और मे बी आप मेरे साथ हो रूबरू लाइव अगले वेबिनार में। तो ये थे डिफरेंट आइडियाज जिनको समझते हुए करते हुए आप अगले दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का हिस्सा बन सकते हो और अपने लिए फिर ना कहना कि मुझे बताया नहीं, फिर ना कहना कि मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे अपना बिजनेस खड़ा कर सकती हूँ, कैसे मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हूँ। ये आइडियाज आपके लिए हैं। कोई भी आप पूछना चाहते हो बात तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव मुझसे बात करना चाहते हो, फोन नंबर चाहते हो मेरा, तो लाइव आप वेबिनार को फ्री ज्वाइन कर सकते हो फिलहाल और वहां पर मुझसे सवाल पूछ सकते हो। टेक केयर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।